मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करता है, करते हैं, गाली देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा। और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट लोकसभा में जाके उनसे गले मिलता है। और आपने उनका चेहरा देखा होगा, भाइयों और बहनों, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को प्यार ही काट सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, जब मैं गले मिला, मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं थी। और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं उनसे गले मिला, उनके अंदर जो नफरत थी, उस नफरत को मेरे प्यार ने दबा लिया। और मैंने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में देखा, पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा, और उनके अंदर जो नफरत थी उसको वो संभाल नहीं पाए। हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, मेरी नफरत को प्यार ने कैसे काट दिया। और इस बात को हर आरएसएस के व्यक्ति ने देखा, देश के हर व्यक्ति ने देखा कि नफरत को एक सेकंड में प्यार काट देती है। और ये गांधी जी ने कहा, और ये आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास है। और मैं सेवा दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यह इस देश का इतिहास है, इस देश की हिस्ट्री है। और आप देख लीजिए, सेवा दल की बात कीजिए, गांधी जी की बात कीजिए, अंबेडकर जी की बात कीजिए, उससे पीछे जाइए, वीरों की बात कीजिए, जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी बात कीजिए। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश प्यार का देश है। और ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको हम जगह देंगे, आपको हम आदर देंगे, मगर आपको कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो आप ट्रेनिंग पहले करते थे, जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति करता है, दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं मैंने 3 दिन की सेवा दल की ट्रेनिंग की, उसके बाद मेरे खून में कांग्रेस पार्टी का, मेरा खून कांग्रेस पार्टी का हो गया, मेरा डीएनए बदल दिया। यह काम आपका काम है। और जो आप पहले करते थे वो आपको आज करना है, करना ही पड़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बड़ी मीटिंग की, चर्चा की, विचारधारा की बात की। मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं आपको आने वाले समय के लिए अपनी और कांग्रेस पार्टी की पूरी शक्ति देता हूं। नफरत, देखिए, नफरत डर का दूसरा रूप होता है। डर के बिना नफरत नहीं हो सकती। जिसको लोग नफरत कहते हैं वो सचमुच में डर होती है। ये आप में उनमें फर्क है, ये नरेंद्र मोदी जी में मुझ में फर्क है। मुझ में और आप में नफरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं, और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। और ये सब आरएसएस के लोगों की बात है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
और ये रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। गांधी जी के सामने दुनिया का सुपर पावर खड़ा है, कोई आवाज है, हवाई जहाज नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई धन नहीं। ठीक है, चश्मे की जरूरत थी तो चश्मा पहनते थे, छोटी सी घड़ी थी, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर अंग्रेजों को हरा दिया। यह है कांग्रेस पार्टी, यह है सेवा दल। और उसी समय अभी मुझे बताया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया। कौन से साल बैन किया, किस साल बैन किया? 1927 में अंग्रेजों ने सेवा दल को बैन किया, कहा कि हिंदुस्तान में संगठन नहीं हो सकता है, इसको खत्म करो। जैसे मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे अंग्रेजों ने कहा सेवा दल मुक्त भारत। आरएसएस को बैन नहीं किया अंग्रेजों ने, मगर सेवा दल को बैन किया। और गांधी जी सालों जेल में रहे, और हमारे नेताओं की लिस्ट निकालो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, सबकी लिस्ट निकालो, उनके सामने लिखा है 15 साल जेल, 10 साल जेल। किसी ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से, इनमें से एक व्यक्ति ने अंग्रेजों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी। सावरकर जी ने एक के बाद एक नौ बार अंग्रेजों से माफी मांगी, क्योंकि डर था उनमें, उस डर को गांधी जी ने मिटाया। सावरकर जी डर को नहीं मिटा पाए, इसलिए नफरत बाहर निकली। गांधी जी ने डर को मिटाया, प्यार बाहर निकला। तो आपको यही करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम हराएंगे इनको, 2019 में हराएंगे, मिटाएंगे नहीं, हम मिटाएंगे नहीं, हम इनको खत्म नहीं करेंगे, इनका कत्ल नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, मगर हराएंगे, और प्यार से हराएंगे। तो आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं देश में कोने कोने में आपकी सफेद टोपी, आपकी वर्दी देखना चाहता हूं। जहां आंधी हो, तूफान हो, हिंसा हो, नफरत हो, वहां मैं सेवा दल को देखना चाहता हूं, और आपके प्यार को वहां देखना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। साथियों, मैं एक बात, थैंक्स, धन्यवाद होगा, धन्यवाद, एक मिनट का, ठीक। अभी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, गेट टुकड़े परेड, साफ ठन। राष्ट्रगान शुरू करेंगे।
भाई साहब के नेतृत्व में आज दल संकल्प है कि राहुल जी हर्ष हर्ष जिंदा हर्ष हर्ष धन्यवाद हर्ष हर्ष धन्यवाद मिलते रहेंगे जय हिंद मिलते रहेंगे जय हिंद हर्ष हर्ष धन्यवाद हर्ष हर्ष धन्यवाद मिलते रहेंगे जय हिंद मिलते रहेंगे जय हिंद हर्ष हर्ष धन्यवाद।